दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत के कितने रेलवे लाइन पाकिस्तान में चली गई थी और साथ में कितने करोड़ की पूंजी भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। तो आइए ये सब जानते हैं छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप जरूर जानते होंगे कि भारतीय रेलवे की शुरुआत 8 मई 1845 को हुई थी, लेकिन पटरियों को बिछाने का काम का ठेका 1848 में दिया गया था और 1947 में देश के बंटवारे के समय रेलवे लाइन के साथ साथ लगभग 150 करोड़ की पूंजी भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई और भारत के लगभग 7000 मील दूरी तक रेल लाइन पाकिस्तान में चली गई। क्या जानकारी आपको पहले से मालूम था? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।